Dear students, very good afternoon to all of you. Today we are discuss about our third chapter, safety first. Safety first means पहले सुरक्षा. तो हमें कोई भी काम करने से पहले सुरक्षा बरतनी चाहिए ताजो हमें कोई भी नुकसान ना हो हमारी बॉडी को. इसमें हम बात करेंगे कि आपने आप घर पे रहते हो कहीं बाहर जाते हो रोड पर जाते हो तो कैसे कैसे आपने अपनी सेफ्टी करनी है कैसे कैसे आप खुद को सेफ रखना है. देखो ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट स्कूल रोहित वॉज रनिंग डाउन द स्टेयर्स सडनली ही मिस्ड अ स्टेप एंड टम्बल डाउन द स्टेयर्स. स्कूल में रिसेस टाइम रोहित क्या है स्टेयर से नीचे गिर गया. अचानक ही उससे एक स्टेप मिस हो गया. स्टेप मीन्स पौड़ी. टम्बल डाउन द स्टेयर्स और स्टेयर से नीचे गिर गया. टम्बल डाउन मीन्स नीचे गिरना. ही गोट बरिश ऑन हिज नीज एंड हैंड. उसके हैंड और नीज पर क्या हो गई निशान पड़ गए. जैसे आपका मांस क्या है छिल जाते हैं ना. बरिशिज मीन्स क्या है छिलना. ही ऑल्सो स्प्रेन्ड हिज लेफ्ट एंकल और उसकी जो लेफ्ट एडी में क्या आ गई मोच. स्प्रेन्ड मीन्स मोच. इट वॉज सो पेनफुल दैट ही हैड डिफिकल्टी इन गेटिंग अप एंड वॉकिंग. उसे बहुत दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो ना ही खड़ा हो सकता था और ना ही चल सकता था. सच अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट इंसिडेंट दैट कोज इंजरी और डैमेज आर कोल्ड एक्सीडेंट. एक्सीडेंट क्या है जो अचानक ही हमारी केयरलेस से होते हैं जिसके कारण हमारा कोई बॉडी पार्ट क्या हो जाता है जख्मी हो जाता है. एक्सीडेंट हैपन्स वेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट कब होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं जब हमारा ध्यान कहीं और होता है किसी की बातों में. इन अ हरी और हम जल्दी में होते हैं हमें कभी आपको जैसे आप घर जाते हो तो छुट्टी होने वाली होती है तो आपको जल्दी होती है घर जाने में तो कई बार आप गिर जाते हो. और डू नॉट फॉलो बेसिक सेफ्टी रूल. उस टाइम अपने सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो नहीं करते. वी कैन अवॉइड मोस्ट एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स. हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए केयरफुल चलना चाहिए और जो हमें सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे. वी विल लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट होम. सबसे पहले हमें सेफ्टी रूल को कहाँ पे फॉलो करना चाहिए हमारे घर में स्कूल में रोड पे प्लेग्राउंड में और स्विमिंग पूल में. अब इसकी सभी की हम बात करेंगे. फर्स्टली सेफ्टी एट होम. हम घर पे कैसे सेफ्टी बरत सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी. एट होम वी माइट हर्ट अवर लेस वी माइट हर्ट अवर सेल्स वैन वी बम्प इन टू समथिंग. कई बार क्या होता है जैसे आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो सोफ़ा वगैरह देख रहे हो आप भाग के आते हो तो आपका पैर वहीं पे अड़क जाता है जिसकी वजह से आप नीचे गिर सकते हो. टिप ओवर थिंग्स नॉट कैप्ट एट प्रॉपर प्लेस और स्लिप ऑन ए वेट फ्लोर. अगर आप अपनी चीज़ें कहीं ध्यान से आपकी चीज़ें अगर ध्यान से नहीं रखोगे तो वो क्या है आपको क्या हेल्प करती है गिरने में. और स्लिप होने वेट फ्लोर अगर कहीं पे पानी गिरा होता है तो क्या होता है कि आपका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से आपके चोट लग जाती है और आप गिर जाते हो. सच इंसिडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी रूल्स. तो इन इंसिडेंट से हमें बचने के लिए क्या फॉलो करने चाहिए सेफ्टी रूल्स जो हमें ये गिवन दिए हुए हैं इनको आप लोग भी घर पर डेली ही यूज़ करना. Do not leave anything such as toys on the floor of the room. Always keep things in their proper place. अगर आपकी कोई भी चीज़ है toys हैं जब floor पे आपने अपनी books कहीं भी कुछ भी रख देते हो तो वो आपने एक proper place पर रखनी है जिसकी वजह से
खुद भी आपको चोट न लगे और आप दूसरों को चोट न लगने में भी हेल्प कर सकते हो। डू नॉट रन ऑन स्लिपरी फ्लोर्स, जैसे घर में टाइल्स लगे होते हैं या स्कूल में, उस पर आपको रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रन की वजह से क्या होता है, आपका पैर स्लिप हो जाएगा, जिसकी वजह से आप नीचे गिर जाओगे और आपको चोट लगेगी। इफ़ यू सी वॉटर स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, क्लीन इट इमिडिएटली, डू नॉट वेट फॉर एनी वन एल्स टू डू इट। अगर आपको कहीं भी पानी दिखाई देता है, उसको इमिडिएटली आप साफ कर दो, क्योंकि देखो अगर आपको फ्लोर पे पानी दिखाई दिया, आप नहीं साफ़ करोगे तो घर में कोई भी नेक्स्ट पर्सन आता है, उसको नहीं पता लगता, तो वो वहाँ से स्लिप करके क्या होएगा, गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो हर्ट होएगा। इससे अच्छा आप ऐसे मत सोचो, हाँ मेरे मम्मा साफ़ करेंगे, मेरे भैया, मेरी सिस्टर साफ़ करेगी, उससे पहले आप खुद ही वहाँ पर साफ़ कर दो, वाइपर लगा दो। क्लीन एंड ड्राई द बाथरूम फ्लोर आफ्टर यूज, क्लीन एंड ड्राई द बाथरूम फ्लोर आफ्टर यूज़। अगर आप नहा के आते हो, आपने बाथरूम का यूज़ कर लिया, तो अपने उस फ्लोर को भी साथ के साथ ही क्या करो, साफ करो। इन अ किचन, इन द किचन डू नॉट प्ले विद द मैच बॉक्स और मैच स्टिक्स। आपको किचन में माचिस की तिल्ली के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू लाइट द गैस स्टोव, ना ही गैस चलाने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद द नाइफ एज इट इज़ वेरी शार्प एंड यू मे कट योरसेल्फ। ना ही आपको नाइफ में चाकू से खेलना चाहिए, क्योंकि वो तीखा होने के कारण आपके कहीं भी कट लग सकते हैं। डू नॉट गो टू क्लोज टू अ गैस स्टोव व्हेन इट इज़ ए बर्निंग, जब गैस चल रही होती है तो आपको उसके पास ही नहीं जाना चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल विद बेयर हैंड्स, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, आपको गर्म बर्तन को भी टच नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके हैंड जल जाएं। अभी हम थर्ड सेफ्टी रूल की बात करते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचा जाए, उससे कैसे सेफ्टी रखी जाए। Handling electric switches, socket and appliances without proper care can result in an electric shock. जो हमारे electrical switch होते हैं, आपके घर में board लगे होते हैं, socket, appliances, जो भी आप use करते हो switches, without proper care can result in an electric shock। अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं यूज़ करोगे, आप केयरलेस ही इनके बीच क्या है, पेंसिल वगैरह लगाने लग जाओगे, जिसकी वजह से आपको शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। सो आपको इनसे दूर ही रहने चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो दीज सेफ्टी रूल वाई हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो इनसे हमें कैसे सेफ्टी बरतनी चाहिए, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विच एंड अप्लाइसेंस विद वेट हैंड, जो हमारे अप्लाइसेंस ऐसे बोर्ड होते हैं, इनको टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से। अगर आपके हैंड वेट होंगे तो क्या होएगा, इनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है और हमारी बॉडी भी खुद कंडक्टर है, जिसकी वजह से हमें करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन टू इलेक्ट्रिक पॉइंट और शॉकेट, शॉकेट में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें शॉक लगे। If you notice any loose electrical wire, inform an elder, do not ever touch it। अगर आपको कहीं भी वायर लूज, मतलब कोई खुली लगती है, जहाँ आपका बोर्ड जैसे उखड़ जाता है, आपको दिखाई पड़ता है, आप खुद हाथ मत लगाओ, उसको टच मत करो, अपने बड़ों को घर में बता दो। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। अभी हम बात करते हैं सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में कैसे सेफ्टी बरती जा सकती है, आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हो स्कूल में। डू नॉट स्लाइड डाउन द बैनिस्टर, बैनिस्टर क्या है, ये रेलिंग जो स्कूल में मोस्टली बने होती है आपकी स्टेयर्स के साथ, आपको वहाँ से कभी भी स्लाइड ना करनी चाहिए, क्योंकि उसके सपोर्ट न होने की वजह से आपके गिरने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे आप हर्ट हो सकते हो। Never run on the stairs, स्टेयर्स पे कभी भागना नहीं चाहिए। Always walk up and down the left side of the stairs।
धीरे धीरे नीचे आना चाहिए आपको और अपने लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए नीचे आते हुए। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर। जब कोई भी आपका फ्रेंड नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है उसको कभी भी धक्का मत लगाओ जिसकी वजह से उसको हर्ट हो या वो उसे कोई भी हार्म हो। डू नॉट कैरी एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आपको स्कूल में किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे आपके पास होते हैं शार्पनर के ब्लेड वगैरह, जो ब्लेड्स होते हैं आपके हैंड पर लग सकते हैं और जिसकी वजह से आपके ब्लड भी निकल सकते हैं। डू नॉट पुश अदर वाइल बोर्डिंग द स्कूल बस। कभी भी स्कूल बस में भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, अपनी टर्न आने का वेट करो। सेफ्टी ऑन द रोड। हम कैसे सेफ रह सकते हैं रोड पर? देखो रोड पर तो हमारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं होएगा हमारा उनके साथ टकरा के कैसे भी एक्सीडेंट हो सकता है जो कि हमारी लाइफ के लिए एक डेंजरस है। तो हमें सबसे पहले रोड पे चलते हुए इधर उधर ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। फॉर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करने से पहले फर्स्ट लुक टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। जब आप चलते हो तो उससे पहले आपको अपने राइट लेफ्ट फिर राइट पर ध्यान दो, कहीं वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है जो आपको हार्म करे। इफ़ देर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग इन इधर साइड क्रॉस द रोड। अगर आपको कहीं भी ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा तो आप इधर उधर देख के कहीं भी जा सकते हो, रोड इजीली क्रॉस कर दोगे। ऑलवेज वो पेमेंट, आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। पेमेंट मीन्स फुटपाथ। डू नॉट रन एंड प्ले ऑन द रोड। आपको कभी भी भागना नहीं चाहिए और रोड पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज वियर हेलमेट वेल राइडिंग टू व्हीलर। अगर आप मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह पे जाते हो तो आपको हमेशा क्या पहनना चाहिए? हेलमेट, जिसकी वजह से आपको इंजरी वगैरह ना हो। ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग अ कार। जब आप कार पे जाते हो तो हमेशा सीट बेल्ट वियर करो ताँ जो कभी भी बाई चांस आपका एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट हमें वहीं पे प्रोटेक्ट करके रखती है। अभी हम बात करते हैं सेफ्टी एट द ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में हम कैसे सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं? ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्लाइडो स्विंग। हमें जैसे प्ले ग्राउंड में काफ़ी सारे झूले होते हैं तो हमें हमारी टर्न का वेट करना चाहिए, जस्ट स्लाइडिंग करने के लिए वेट करना चाहिए। एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए क्योंकि पुश करने से आपके भी चोट लगेगी और दूसरे पर्सन के भी चोट लगेगी। नॉट गो वेरी हाई ऑन दिस विंग एज यू मे फॉल ऑफ। आपको ज़्यादा हाइट वाले झूले नहीं लेने चाहिए ताँ जो आपको नीचे आते हुए डर लगे और आप उससे गिर जाओ। नेवर पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग। खेलते हुए अपने फ्रेंड को कभी भी पुश मत करो। नेवर ट्राई टू जम्प ऑफ अ स्विंग और अ स्लाइड। कभी भी उस पर झूला लेते समय जंप मत करो। सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हम कैसे सेफ रख सकते हैं? स्टे एट द शैलो एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का पानी है जो वो कम गहरा होना चाहिए। शैलो मीन्स कम गहरा। मेक श्योर देर इज एन अडल्ट इन द स्विमिंग पूल विद यू। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपके साथ आपके एल्डर जरूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कई बार क्या होता है अगर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा और आपको स्विमिंग नहीं करनी आई हो तो आपके एल्डर्स आपको अच्छे से बचा लेंगे। डू नॉट जंप इनटू द पूल अनलेस यू नो हाउ टू स्विम वेल। आपको स्विम अच्छे से ना करना आए तो तब तक आपको पूल में जाना ही नहीं चाहिए अकेले। ऑलवेज वियर ए लाइफ जैकेट बिफोर एंटरिंग द पूल। पूल में एंटर करने से पहले अपना लाइफ जैकेट पहनो ताँ जो वो आपको वाटर से प्रोटेक्ट करके रखे।
तो ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा है आपके सारे सेफ्टी रूल, रोड पर आपको कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, प्लेग्राउंड में, स्विमिंग पूल में, होम में, स्कूल और इलेक्ट्रिक शॉक से। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इनसे अगर हमारा बाय चांस एक्सीडेंट या घर में कोई बीमार होता है उससे उसको पहले फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।